Hello students, today we will discuss how to follow the lectures for UGC NET Electronic Science. UGC NET Electronic Science के लिए आपको हमारे lectures, that means Digimento की faculties के lecture किस तरह से follow करने हैं, ये हम discuss करेंगे आज की video में. तो इस video को बनाने का जो main motive है, वो आपको ये understand करवाना है कि हमें जो subject पढ़ना है, वो इस तरह से पढ़ना है कि उस सब्जेक्ट का एक-एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए, चाहे वो सब्जेक्ट आपका गेट में पूछा जाए, चाहे वो सब्जेक्ट यूजीसी नेट में पूछा जाए, चाहे वो आईएएस में पूछा जाए, चाहे वो आपका सब्जेक्ट अदर पीएसयू एग्जाम में पूछा जाए, हमें उस सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए. ये मेन मोटिव है आज की वीडियो का. तो जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि आपके UGC NET और अदर एग्जाम्स में होंगे, उन्हें स्पेशली आपको इस तरह से स्टडी करना है. जैसे सपोज करिए आपने एक सब्जेक्ट ले लिया कंट्रोल सिस्टम, तो उसे आप इस तरीके से स्टडी करिए कि कंट्रोल सिस्टम का कोई भी कांसेप्ट हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, आपको वो कांसेप्ट समझ में आना चाहिए. तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन्हें बेसिकली आपको ये सोचना है कि उन्हें आप ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, एटलीस्ट आपको उसका कांसेप्ट तो पता होगा ही. ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो आपको वीडियो भी फॉलो उस तरीके से ही करनी है कि आप उस वीडियो में एक-एक पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टैंड करिए. सारे के सारे डेरिवेशंस जो हैं वीडियो में आपको दिए गए हैं, वो सारे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, सारी थ्योरीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपको बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, तो वो सारे के सारे आप अंडरस्टैंड करिए. बेसिकली आप उस सब्जेक्ट का कंप्लीट कांसेप्ट डेवलप करिए अपने अंदर. तो उससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एटलीस्ट आप ये समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से डील कर सकता हूं. नो डाउट आप क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप उस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली सेल्फ स्टडी करेंगे. वो एक अलग पॉइंट है, उसे भी मैं डिस्कस करूंगा. लेकिन अगर आप वीडियो को, हमारी वीडियो को इस तरीके से फॉलो करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट उसका अंडरस्टैंड करना है, बिना ये सोचे कि अरे भाई ये क्वेश्चन तो मेरा यूजीसी नेट में कभी पूछा ही नहीं जा सकता, ये कभी नहीं सोचना हमें. क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चन रहते हैं, भले आप खुद से उनकी प्रैक्टिस ना करिए, लेकिन जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, जब आप उन्हें समझते हैं, तो उससे आपका कंसेप्ट डेवलप होता है. हमें बस क्या समझना है, हमें यह समझना है कि आपको किस तरीके से अदर स्टूडेंट से बढ़िया बनना है, आपको कैसे अदर स्टूडेंट से बेटर बनना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है. अगर एक स्टूडेंट सिर्फ फॉर्मूला याद करके आ रहा है और आप हैं, अगर आपने सारी की सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मान लीजिए 10% क्वेश्चन भी थोड़े से टफ लेवल के आते हैं, तो वो आपसे बनेंगे, अदर स्टूडेंट से नहीं बनेंगे. तो हमें इस तरीके से ही समझना है और इस तरीके से ही वीडियो को फॉलो करना है. अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है, सपोज करिए कि आप सेल्फ स्टडी जो अपनी करेंगे वीडियोस को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद, तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेल्फ स्टडी में क्या होगा, आप कुछ रेफरेंस बुक्स का भी यूज करेंगे, जिसमें आप एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ेंगे, आप लास्ट ईयर के पेपर्स को स्टडी करेंगे. ओके, उसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें आप यूजीसी नेट से रिलेटेड, यूजीसी नेट के पैटर्न से रिलेटेड आप क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी टेस्ट सीरीज के थ्रू. तो ये तो आपकी सेल्फ स्टडी होगी जो आप वीडियो को फॉलो करने के बाद, कंसेप्ट बनाने के बाद करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका यूजीसी नेट के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. लेकिन यहां पर बेनिफिट क्या है वीडियो को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने का, यह समझिएगा. जब आपने यूजीसी नेट के लिए सेल्फ स्टडी कर ली, आपका मेन टारगेट यूजीसी नेट है, आपने नवंबर में एग्जाम दे लिया यूजीसी नेट का, उसके बाद आफ्टर यूजीसी नेट जब आप फेब मंथ में देखेंगे तो गेट का एग्जाम होता है, तो फेब मंथ में गेट का एग्जाम जो आपका होना है,
तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो दिसंबर और जनवरी ये दो मंथ्स आपके पास ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल फ्री होंगे क्योंकि आपने नेट का एग्जाम दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो दिसंबर और जनवरी में आप एक्स्ट्रा टफ टफ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके, क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा थ्योरी कोई नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट थे उसमें आपने इस तरह से कंसेप्ट डेवलप किए हैं, इस तरह से स्टडी की है हमारी वीडियोस के थ्रू कि आपको अब एक्स्ट्रा थ्योरी या एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ने की नीड ही नहीं है गेट के लिए। वैसे भी गेट में थ्योरी क्वेश्चन बहुत लेस आते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ गेट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देंगे, गेट से रिलेटेड टफ टफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और उसके लिए टू मंथ्स मोर देन इनफ होते हैं। जो बच्चा गेट की भी प्रिपरेशन करता है वो मेनली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिसंबर जनवरी में ही देता है, तो आप भी वही करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपके पास होगा ही। और एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं नेट और गेट में, जैसे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो फॉलो करेंगे यूजीसी नेट वर्सेस गेट, तो मैंने वहां बताया हुआ है कि अगर आपने नेट के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए तो गेट का मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है क्योंकि नेट का सिलेबस गेट के सिलेबस से ज्यादा है। तो आपका कॉमन सब्जेक्ट मतलब गेट के सारे सब्जेक्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, मैक्सिमम थोड़े बहुत रह जाएंगे, उन्हें आप चाहें तो क्विकली कवर कर सकते हैं, उनके ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मत करिए क्योंकि आपका मेन एम वैसे भी यूजीसी नेट था। लेकिन अगर आप दो मंथ्स अच्छे से स्टडी करने के बाद अगर आप गेट में भी एक ठीक ठाक रैंक ले आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि गेट में आप अंडर 10 रैंक ले आइए, लेकिन अगर आप गेट में भी अच्छा रैंक ले आते हैं तो आपके पास लाइफ में दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो गेट है उसके अलावा भी आप IES के लिए एग्जाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो IES का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है आपका, जो कि आपका जनवरी में होता है, उसका सिलेबस भी काफी मिलता है आपका यूजीसी नेट से। अगर मैं टेक्निकल सिलेबस की बात करूं यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन टेक पार्ट ES में आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना होता है, लेकिन वो आप कवर कर सकते हैं 20-25 डेज में, वन मंथ में इतना तो आप कवर कर ही सकते हैं कि आप ओवरऑल टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट को मिलाकर आप क्वालिफाई कर जाएं। तो बेसिकली आप जनवरी में ES का एग्जाम भी दे सकते हैं क्योंकि ES में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर आपके थ्योरिकल होते हैं या फॉर्मुला बेस होते हैं। तो यहां पर आपको जो आप नेट की प्रिपरेशन के लिए जो आपने प्रैक्टिस की होगी वो आप यहां पर यूज कर सकते हैं। नो डाउट ES का एग्जाम नेट से टफ ही होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपका कंप्लीट ES इस प्रोसीजर से क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम फिर से IS देना पड़े, लेकिन इन टेक्निकल एग्जाम्स के ऑप्शन आपके सामने हमेशा खुले होंगे। हो सकता है कि जब आप नेट के एग्जाम के बाद IS का एग्जाम दें जनवरी में तो आप क्वालिफाई ना कर पाए, बट आपके इतने मार्क्स आ जाएं कि आपको ऐसा फील हो कि नेक्स्ट ईयर में थोड़ी सी और बेटर प्रिपरेशन के साथ IS का ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट क्लियर कर सकता हूं, तो आपके सामने एक और पाथ खुल जाएगा। तो आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, वो इस तरीके से करने हैं कि किसी भी एग्जाम में वो सब्जेक्ट आए। नो डाउट आपको थोड़ी सेल्फ स्टडी सेल्फ प्रिपरेशन करनी होगी, लेकिन सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा, आप किसी भी एग्जाम में वो सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ सेल्फ प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो आपके अदर PSUs एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबल तो आप वैसे ही रहेंगे क्योंकि आप नेट दे रहे हैं, मतलब आपने एमटेक क्वालिफाई किया हुआ है। यहां बात एमटेक की नहीं है, बात यहां पर इस चीज की है, एलिजिबिलिटी का मतलब यहां पर यह है कि आपके कंसेप्ट चूंकि क्लियर हैं इसलिए आप सेल्फ प्रैक्टिस करके उस एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो आपको यह ध्यान रखना होगा लाइक DRDO लाइक बार्क, इन सब एग्जाम में भी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं अगर आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो आप डिटेल में स्टडी करें, कंप्लीटली स्टडी करें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप हमारी वीडियोस फॉलो करेंगे यूजीसी नेट के लिए, तो कॉमन सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करिएगा। बट हाँ, आपका मेन फोकस यूजीसी नेट ही है तो यूजीसी नेट के लिए ही आप सेल्फ प्रिपरेशन करिएगा,
लेकिन यूजीसी नेट के एग्जाम के बाद सबसे जो मेन मैं बोलूं अगर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो वो फरवरी में गेट का एग्जाम ही है, क्योंकि आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है जहां पर आप गेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। इसके अलावा भी जो इसरो डीआरडीओ वगैरह एग्जाम है, स्पेशली इसरो का एग्जाम अप्रैल में होता है जनरली, तो उसके लिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा स्टडी कर लेने का। तो यहां पर आपके पास पाथ बहुत सारे ओपन हो जाएंगे अगर आप इस तरह से वीडियो को फॉलो करेंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने बिल्कुल आपके जनरल डिस्कशन के लिए वीडियो बनाई है, इसलिए आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा। आप ये सोच सकते हैं, जैसा कि एक नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, जब दो नाव में पैर रखोगे तो जरूर डूब जाओगे, तो आपको ये नहीं सोचना है। यहां पर ये दो डिफरेंट नाव नहीं है, आपका सिलेबस सेम है। मैं कभी नहीं बोल रहा कि जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें तो आप गेट के लिए अलग से क्वेश्चन सॉल्व करें या आईएएस पे ध्यान दें। जब तक आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो नहीं जाता नवंबर में, तब तक आप उस पर ही पूरा फोकस रखिए। उसके बाद जो आपके पास टाइम है उसका आप यूटिलाइज करिए, ताकि आप अदर ऑप्शंस भी अपने पास रख सकें, ठीक है ना। क्योंकि आज की जो लाइफ है, आज का जो सिनारियो है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अपने पास ऑप्शंस रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। ये पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दो अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही नाम है, क्योंकि सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है। और इसे प्रूफ करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं यहां पर। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर जो वन है मेरा, वो है आपका, देखिए मैंने यहां पर कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस शो किया है, एक है आपका नेट का सिलेबस और एक है आपका गेट का सिलेबस। अगर आप इसे कंपेयर करें तो देखें, अगर आप यहां पर ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है, और यहां पर देखिए आप बेसिक कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, फीडबैक, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, ये जो गेट में आपने देखा फर्स्ट लाइन, और ये आप जो ओपन लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देख रहे हैं, भले वर्डिंग अलग हो लेकिन दोनों चीजें, दोनों की फर्स्ट लाइन आपको दोनों में स्टडी करना है। क्योंकि जब तक आप ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम ये सब अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कंट्रोल में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, और जब तक आप ओपन लूप क्लोज लूप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कंट्रोल सिस्टम में। तो ये बिल्कुल दोनों में सेम है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, और यहां पर अगर आप देखें गेट के सिलेबस पे, तो यहां पर भी आपको दिख जाएगा कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, यहां पर आप देख सकते हैं। तो गेट के सिलेबस पे भी हम लोग कंट्रोलर पढ़ते हैं, जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है आपका, उसमें आपका कंट्रोलर ही होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आप पढ़ते हो। इसके अलावा अगर आप बात करोगे जो स्टेबिलिटी क्राइटेरियाज हैं आपके, रूट लोकस, रूट हर्विट्स, बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, ये सब आपके नेट के सिलेबस में भी है और गेट के सिलेबस में भी है। तो ऑलमोस्ट जो गेट का आपका सिलेबस है वो कंप्लीटली आपका नेट के सिलेबस के अंदर है, जबकि आपको नेट में कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना है। अगर आपने नेट का कंप्लीट सिलेबस पढ़ लिया तो 90-95% आपका गेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कंसेप्ट वाइज मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया है कि आपको क्या करना है। कंसेप्ट वाइज देखोगे तो अगर आपने नेट का सिलेबस डिटेल में फुल कंसेप्ट के साथ स्टडी कर लिया है तो आपका गेट का सिलेबस 90-95% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कंप्लीटली, जबकि नेट में आपका आप देखेंगे सर्वो मैकेनिज्म, अगर आप देखें यहां पर एरर एम्पलीफायर, ये सब आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही हैं। ये जो आपका टेम्परेचर एंड पोजीशन यूजिंग एनालॉग डिजिटल कंट्रोल सर्किट्स, तो ये आपके एक्स्ट्रा ही हैं। तो इन्हें तो आपको पढ़ना ही है डिटेल में, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं इन्हें भी आपको डिटेल में कवर कर लेना है। कैसे? कंसेप्ट वाइज, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अगर आप बात करें, मैं यहां पर एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं कम्युनिकेशन सिस्टम का। यहां अगर आप देखेंगे ना तो यहां पर गेट का सिलेबस काफी लेंदी है और आपका नेट का सिलेबस थोड़ा सा कम है।
तो अगर आप नेट का कंप्लीट सिलेबस स्टडी कर लेते हैं, लाइक देखेंगे आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस मॉड्यूलेशन, रिसीवर्स हैं आपके एएसके, पीएसके, पीसीएम, पीएम, मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब कुछ गेट में है, तो आपका कंप्लीट अगर आप नेट का सिलेबस स्टडी करते हैं तो यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा 90-95%, लेकिन 80% सिलेबस आपका गेट का कवर होता है। जो मेजर टॉपिक, कुछ और टॉपिक भी छूटेंगे, लेकिन जो मेजर टॉपिक आपका छूटेगा वो है आपकी फर्स्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड रैंडम प्रोसेस। और ये काफी इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते हैं कि रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे सेपरेटली भी स्टडी कर सकते हैं दिसंबर एंड जनवरी का जो टाइम रहेगा। अगर आप किसी अच्छे नोट से या हमारी वीडियोस से, क्योंकि हम तो अपनी वीडियो में रैंडम प्रोसेस कवर करेंगे ही, तो अगर आपको रैंडम प्रोसेस उस समय नहीं भी पढ़ना है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के टाइम, दैट इज बिफोर नवंबर, तो आप नवंबर के बाद अगर हमारी वीडियोस फॉलो करेंगे तो हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप हमारी वीडियोस फॉलो करके देख भी सकते हैं जो यूट्यूब में अवेलेबल है, कि आपको हार्डली 5-6-7 hours आपको लगेंगे इस रैंडम प्रोसेस को कवर करने में, और आप बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो जो 5-10% सिलेबस आपका छूट भी जाएगा गेट का, उसे आप दिसंबर जनवरी में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ कवर कर सकते हैं। नो डाउट लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, नवंबर में एग्जाम के बाद आपको दिसंबर जनवरी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप गेट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप इस तरह से हमारी वीडियो को फॉलो करेंगे तो। ध्यान रखिएगा, एक और एग्जाम्पल देखिए, आप नेटवर्क थ्योरी का एग्जाम्पल देखिए। देखिए थ्योरम्स है नेट के सिलेबस में, नेटवर्क एलिमेंट्स है, नेटवर्क ग्राफ है, नोडल एंड मैश है, बोडे प्लॉट्स तो आप कंट्रोल में पढ़ ही लेंगे, इसके अलावा लाप्लास है, फूरियर, जेड, ये आप सिग्नल सिस्टम में स्टडी करेंगे ही, हमने वीडियो बनाई हुई है आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स, ये आप कंट्रोल सिस्टम में भी स्टडी करेंगे, टाइम रिस्पॉन्स आप नेटवर्क में भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा देखिए टू पोर्ट नेटवर्क, इसके अलावा आपका स्टेट वेरिएबल मेथड, ये आप कंट्रोल सिस्टम में स्टडी करते हैं बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स, इसे आप सर्किट एनालिसिस के लिए भी देखेंगे, एसी एनालिसिस, ट्रांजिएंट, एवरीथिंग। अगर आप देखें यहां पर तो हार्डली एक या दो टॉपिक को छोड़ दें तो सारे के सारे टॉपिक आपके गेट के टॉपिक से मैच करते हैं। गेट में भी अगर आप देखें तो यहां पर जो मैंने जितने टॉपिक आपको बताए हैं उसके अंदर आपका इंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेटवर्क थ्योरी में। तो यहां पर नेट के लिए बात करूं और गेट के लिए बात करूं तो नेटवर्क थ्योरी अगर आपने पढ़ ली नेट के लिए तो गेट के लिए भी कंप्लीट कवर्ड है, लेकिन हां नेटवर्क थ्योरी में भी और अदर सब्जेक्ट में भी न्यूमेरिकल आपको गेट के लिए टफ प्रैक्टिस करने होंगे, और हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमें कुछ अगर अचीव करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पर आपको तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि गेट का सिलेबस पढ़ने से नेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, नो, नेट का सिलेबस लेंदी है, नेट का सिलेबस करने से जो गेट का सिलेबस है ना वो आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, तो जो कॉमन सब्जेक्ट है ना उनके सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो यहां पर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट या अदर जो पीएसयूज है, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, जो कि सारे गेट के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, जो आपके बाकी के पीएसयू हैं वो गेट के सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो नेट के एग्जाम के बाद अगले 4-5 months में आपको कम से कम 6-7 options और मिल जाएंगे अगर आप दिसंबर जनवरी का स्पेशली यूटिलाइजेशन कर लें तो। तो उसके बाद आपको ऑप्शन रहेगा तो आप राइट ऑप्शन चूज करके अपने कैरियर को बना सकते हैं, कैरियर में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो बस लास्ट में मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमारी जब आप वीडियो फॉलो करें तो कंप्लीट फॉलो करें, कोई अगर डेरिवेशन दिखे या कोई टफ न्यूमेरिकल दिखे तो उसे लीव मत करें। इससे फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो एडवांटेज है, एक तो अदर एग्जाम के लिए भी आप साथ ही साथ प्रिपेयर होते चले जाएंगे, और यूजीसी नेट के एग्जाम के टाइम पर भी जब आप
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर 5 to 10% टफ क्वेश्चन होते हैं जो बाकी स्टूडेंट से नहीं बनेंगे तो वो आपसे बन जाएंगे क्योंकि आपने कंसेप्ट वाइज कंप्लीट स्टडी की हुई है। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। और जहां तक बात है यूजीसी नेट के लिए तो वीडियो कंप्लीटली फॉलो करेंगे और उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जो ज्यादा थ्योरिकल हो और ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड हो। क्लियर है पॉइंट। और साथ ही साथ यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज देंगे और बाकी प्रिपरेशन और कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। बट अभी आपको इस वीडियो में बस यही अंडरस्टैंड करना है कि ऑप्शंस खुले रखने हैं। क्लियर है पॉइंट। तो अभी के लिए इतना ही। मैं एक और सजेशन आपको दूंगा कि इस वीडियो को तो आप देखिए ही लेकिन मैंने एक और वीडियो बनाई है यूजीसी नेट वर्सेस गेट उसे भी आप फॉलो करिए। उससे भी आपको काफी इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी जो आपके कैरियर वाइज इंपॉर्टेंट होंगी। ओके थैंक यू।